मंगलवार की मध्य रात्रि में बाबा भोले के भक्तों ने 54 फीट लंबी कावड़ यात्रा निकालकर राजधानी पटना में पूरे माहौल को भक्तिमय बना दिया है। नमस्कार, मेरा नाम चंद्रमोहन है और आप दर्श न्यूज देख रहे हैं। मंगलवार की मध्य रात्रि में भीखाचक माई स्थान से NIT घाट होते हुए बिहटा बिटेश्वर नाथ तक एक 54 फीट लंबी कावड़ यात्रा निकाली गई, जिसकी चर्चा अब राजधानी पटना में हो रही है। लगभग हजारों की संख्या में बाबा भोले के अजब गजब भक्त इसमें शामिल थे। यात्रा में लगभग हजारों की संख्या में ऐसे श्रद्धालु भक्त थे जो 100 लीटर से अधिक गंगा जल कंधे पर लिए हुए थे और NIT घाट से पैदल बिहटा के लिए चल रहे थे। देखिए कैसे झूमते हुए नाचते हुए तमाम ये बाबा भोले के भक्त NIT पटना घाट से जलभरी करने के बाद बिटेश्वर नाथ बिहटा के लिए यात्रा कर रहे हैं। बाबा, ये कांवर कितना दिन से उठ रहा है आपका? ये डाक कांवर जो है करीबन 2011 से हम लोग उठा रहे हैं, जो अभी 11वां साल जो है हमारा पूरा हो चुका है। और ये कांवर जो है हम लोग पूरे डाक कांवरिया संघ और गर्दनी बाग के एक एक घर से एक एक मोहल्ले वासियों के सहयोग से कांवर उठता है। अच्छा, ये कांवर उठाने का क्या माध्यम हुआ? ये हमारा माध्यम है कि हमारे एक इष्ट गुरु थे जो हम लोग के साथ जिनका नाम था, वो मध्य प्रदेश के रहने वाले थे और उनका इच्छा था कि हम लोग बाबा बिटेश्वर नाथ को डाक जल चढ़ाएं। मंगलवार की मध्य रात्रि में भीखाचक माई स्थान पटना से निकली ये यात्रा बुधवार को बाबा बिटेश्वर के दरबार में संपन्न हुई। हजारों श्रद्धालुओं ने बाबा भोले के शिवलिंग पर जलाभिषेक किया और कामना की। आपको बाबा भोले के भक्तों की यात्रा कैसी लगी, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अभी तक के लिए बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहें दर्श न्यूज के साथ। धन्यवाद।